आतंकी हमले का बदला लेने की धमकी दी है। उन्होंने दो टूक कहा, हमले के दोषियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। दो दिन पहले मॉस्को हमले में मरने वाले लोगों की संख्या 150 के करीब पहुंच चुकी है, जिसके बाद रूस में आज राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। हालांकि इस मामले में रूस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 संदिग्ध बंदूकधारी शामिल है। दो दिन पहले हमलावरों ने रात को मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर लोगों को गोलियों से भून दिया था और फिर भाग निकले। रूस में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में सक्रिय आईएसआईएस की ब्रांच आईएस खुरासान ने ली है। तो 4 संदिग्ध हमलावर रूस के हत्थे चढ़ चुके हैं और पुतिन ने ऐलान कर दिया है, रूस को लहू लुहान करने वालों को बड़ी कीमत चुकानी होगी, खून का बदला खून से लिया जाएगा। पुतिन के पास लड़ने वाले ऐसे खोखार फौजी हैं कि पुतिन की सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं। लेकिन एक आतंकवादी संगठन ने पुतिन का सारा गुरूर तोड़ दिया। इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकियों ने रूस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। आखिर रूस के अंदर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने इतने बड़े आतंकवादी हमले को कैसे अंजाम दिया? आखिर इस्लामिक स्टेट की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की सेना से क्या दुश्मनी है? आखिर क्यों ईरान पर हमले करने वाला यही संगठन अब रूस के नागरिकों के खून का प्यासा हो गया है? क्या यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से भी इस हमले का कोई कनेक्शन है? आखिर इस युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की पर बड़े बड़े सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? अब इन सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर मॉस्को में हुआ क्या था। इस्लामिक स्टेट खुरासान के 5 आतंकवादी फौजी ड्रेस पहनकर कंसर्ट हॉल के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही धनाधन अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पूरा शो हाउसफुल था, 6,000 से ज्यादा लोग उस कंसर्ट को देखने के लिए पहुंचे थे। जब आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू किया तब लोगों को भागने का ठिकाना नहीं मिला। हमलावरों ने पूरे कंसर्ट हॉल को आग लगा दी। हॉल में इतने जबरदस्त धमाके हुए कि पूरे इमारत की छत भरभरा कर नीचे गिर गई। हॉल में कयामत टूटी हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के टॉयलेट में जाकर और दूसरी जगहों पर छुप गए थे, लेकिन धुआं इतना जोर का उठा कि बहुत सारे लोग दम घुटने की वजह से बहुत बेरहमी से मारे गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रूस के अंदर सिक्योरिटी एजेंसियों से इतनी बड़ी चूक अमेरिका के द्वारा सावधान किए जाने के बाद भी हुई है। अमेरिका ने 1 महीने पहले ही रूस की सुरक्षा एजेंसी को यह सूचना दी थी कि खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि अफगानिस्तान में एक्टिव इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी रूस के भीड़ भाड़ वाले इलाकों को बहुत बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग बना रहे हैं। अमेरिका ने रूस के अधिकारियों को तो इस बात की जानकारी दी थी। इसके अलावा रूस में मौजूद अमेरिका के दूतावास से भी अमेरिका के नागरिकों को अलर्ट जारी किया गया था कि आतंकवादी हमले से सावधान रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। रूस की सुरक्षा एजेंसी की इस लापरवाही ने रूस की सरकार को चौंका दिया है। जांच एजेंसियों ने इस बात का दावा किया कि संदिग्धों ने पूछताछ में इस बात को कबूल किया कि लोगों को मारने के लिए उन्हें 5 मिलियन रूबल यानी कि करीबन 45 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। आधी रकम उन्हें मिल चुकी थी। रूस ने यह भी दावा किया कि हमले को अंजाम देकर हमलावर उसके पड़ोसी देश यूक्रेन में घुसने की फिराक में थे। मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल में मासूमों को मौत के घाट उतारने के बाद हमलावर भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन आखिरकार रूस के सुरक्षा बलों ने उन्हें रूस यूक्रेन बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया। पुतिन ने इस बात का दावा किया कि हमला करने के बाद आतंकियों को यूक्रेन से मदद मिल रही थी, उनके लिए पहले ही एक रास्ता बना दिया गया था और इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर पलटवार किया। ज़ेलेंस्की ने कहा
कि पुतिन हमले के बाद यूक्रेन पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूसी अधिकारियों का रूस में हुए हमले और हादसों की जिम्मेदारी किसी पर और डालने का एक लंबा इतिहास रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ रूस इस बात का आरोप लगा रहा है कि इस सब में यूक्रेन का हाथ है। पहले से ही यूक्रेन ने एक रास्ता बना दिया था ताकि इन आतंकवादियों को यूक्रेन में घुसने में आसानी हो, और इन सभी आतंकवादियों को पकड़ा भी रूस और यूक्रेन बॉर्डर पर ही गया है। हालांकि मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान ने ली है। ये संगठन पुतिन को अपना दुश्मन मानता है और इससे पहले भी रूस पर हमले कर चुका है। भारत में भी आईएसआईएस खुरासान सक्रिय है। सुरक्षा एजेंसियों ने पहली बार 2016 में केरल में आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। तब केरल से कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ, यहां तक कि अपने बच्चों को लेकर आईएसआईएस में शामिल होने चले गए थे। रूस भी आईएसआईएस खुरासान के निशाने पर है, जिसके आतंकी झुंड में काम करते हैं और हमला करने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों को चुनते हैं। आईएसआईएस खुरासान के आतंकी अपना खौफ पैदा करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, फिर ग्रेनेड फेंकते हैं और हमले वाली जगह पर आग लगा देते हैं। इससे बड़ी तादाद में मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और मॉस्को में भी यही हुआ। इस्लामिक स्टेट खुरासान आखिर क्या है, इसको समझना भी जरूरी है। खुरासान नाम उस क्षेत्र के पुराने शब्द पर रखा गया है जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये आतंकी संगठन 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा, जिसने तेजी से अत्यधिक क्रूरता कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन की एक ब्रांच के रूप में काम करने वाले आईएसआईएस के ने अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका ने कहा था कि साल 2021 में देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ खुफिया जानकारी विकसित करने की उसकी ताकत में कमी आई है। हालांकि फिर भी अमेरिका को मॉस्को अटैक की जानकारी पहले ही लग गई थी। इस्लामिक स्टेट खुरासान का अफगानिस्तान के अंदर और बाहर मस्जिदों में हमलों का खतरनाक इतिहास रहा है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ईरान में दो बम विस्फोट किए थे जिसमें लगभग 100 लोग मारे गए थे। वहीं सितंबर 2022 में इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकियों ने काबुल में रूसी दूतावास पर एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। ये आतंकी संगठन साल 2021 में काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले करने के लिए भी जिम्मेदार था, जिसमें अमेरिकियों की निकासी के दौरान 13 अमेरिकी सैनिकों और कई नागरिक मारे गए थे। आईएसआईएस के इन आतंकियों को लगता है कि पुतिन की सरकार चेचन्या और सीरिया में हमले कर मुसलमानों पर अत्याचार करती है। अफगानिस्तान ने मुसलमानों पर इसी तरह के अत्याचार रूस ने सोवियत काल के दौरान किए थे। रूस पर पहले भी खतरनाक आतंकी हमले हुए हैं। 13 दिसंबर 1999 को दक्षिण पूर्व मॉस्को में एक 8 मंजिला अपार्टमेंट की इमारत में बम विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 118 लोग मारे गए थे। ये हमला अपार्टमेंट इमारतों पर हुए 5 हमलों में से एक था, जिसमें मॉस्को और दक्षिणी रूस में 2 हफ्तों के अंदर कुल 293 लोग मारे गए थे। 23 अक्टूबर 2002 को 21 पुरुष और 19 महिला चेचन विद्रोहियों के एक आतंकवादी ग्रुप ने मॉस्को के डेब्रोका थिएटर में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान धावा बोल दिया था और 800 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। सुरक्षा बलों के साथ गतिरोध 2 दिन और 3 रात तक चलता रहा। ये तब समाप्त हुआ जब सुरक्षा बलों ने हमलावरों पर काबू पाने के लिए थिएटर में गैस छोड़ी और फिर उन पर धावा बोल दिया। कुल 130 बंधक मारे गए थे, जिनमें अधिकांश की मौत गैस से दम घुटने से हुई थी। 5 जुलाई 2003 को 2 महिला आत्मघाती हमलावरों ने मॉस्को के पास तुशिनो हवाई क्षेत्र में एक रॉक कॉन्सर्ट के दौरान खुद को उड़ा लिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 लोग घायल हो गए। 6 फरवरी 2004 को एक चेचन आतंकी ग्रुप ने सुबह के व्यस्त समय के दौरान खचाखच भरे मॉस्को मेट्रो में बम विस्फोट किए थे, जिसमें 41 लोग मारे गए थे। मॉस्को में हुए भयानक आतंकी हमले को लेकर पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मॉस्को कॉन्सर्ट स्थल पर हुए आतंकवादी हमले के अपराधियों पर बिना किसी दया भाव के कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत दुख की इस घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। इस हमले के बाद पुतिन घर में ही घिर गए हैं। ये हमला रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर गया है।